हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टेंस के अगला स्टेप जो है, इसमें हम बात करने जा रहे हैं कि जो काम जो एक्शन कंप्लीट हो जाता है उसके लिए कौन कौन से टेंस का यूज किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो काम कंप्लीट हो जाता है वो सारे पास्ट में चले जाते हैं, राइट। तो यहां पे तीन ऐसे टेंस है जो एक्शन के कंप्लीशन के लिए यूज किए जाते हैं। ये है प्रेजेंट परफेक्ट, जिसका फॉर्म जो स्ट्रक्चर होता है हैव या हैज के बाद थर्ड फॉर्म होता है। पास्ट परफेक्ट जो कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म होता है। पास्ट सिंपल जो कि सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डी और फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, जिसको हम एक ड्रिल में इसके बाद वाले वीडियो में सिंपल का देखेंगे, राइट। ये सब एक्शंस के कंप्लीट होने के लिए ये यूज किए जाते हैं। चलिए हम ये सेंटेंस देखते हैं। I have visited Kashmir. I visited Kashmir in Jan 2019. तो ये जो sentences आप देखिएगा, मैंने यहाँ पे केवल ये structure लिखा है, क्योंकि subject change नहीं होता। Tense change होने के लिए केवल ये आपका forms of word change होता है, और कुछ change नहीं होता है। इसीलिए मैंने ये formula लिखा हुआ है। चलिए अगले step में हम इसको समझते हैं कि कौन कितना complete होता है। तो हम ये देख लेते हैं इस लाइन पे, ये लाइन यहाँ पे हम लोग है, ये प्रेजेंट है, और इधर का टोटल जो है वो पास्ट है, और इधर का टोटल जो है फ्यूचर है। मैंने डायरेक्शन इसमें दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर जो है प्रेजेंट होते जाता है और फिर वो पास्ट में चेंज होते जाता है, राइट। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं एक्शन को। फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक्शन जो है एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ, जैसे कि आप देखते हैं आई विजिटेड काश्मीर इन जैन 2019। या तो ये लिखा जा सकता है टाइम, या नहीं लिखा जाता है कब, जब सामने वाला समझता है कि एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पास्ट में हो चुका है। तो ये पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, जैन 2019, राइट। तो जब ये पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है तो वहां पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी सिंपल पास्ट का यूज किया जाता है। और यहां पे कौन सा एक्शन हुआ है, विजिट करने का एक्शन हुआ है, और विजिट का सेकेंड फॉर्म जो होता है वह होता है विजिटेड। तो आई विजिटेड काश्मीर इन जैन 2019, या अगर अंडरस्टूड है ये तो कह सकते हैं आई विजिटेड काश्मीर। अब आते हैं, ये तो क्लियर हो गया होगा ये सिंपल पास्ट का। एक चीज और, सिंपल पास्ट का ये या पास्ट सिंपल का ये बोथ आर सेम। अब इसका जो आंसर है वो प्राप्त किया जा सकता है कि वेयर डिड यू विजिट, कहां विजिट किया, राइट। तो आई विजिटेड कश्मीर, इट्स ओके, आई विजिटेड कश्मीर। तो ये क्वेश्चन से आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। दूसरा है I had visited Kashmir before I visited MP. आप देखेंगे यहां पे दो सेंटेंस है जिसको हम क्लॉज कहते हैं, और ये बिफोर से जुड़ा हुआ है और यहां पे आफ्टर से जुड़ा हुआ है। तो अब हम चलते हैं कि पास्ट परफेक्ट का यूज हम देखेंगे। तो पास्ट परफेक्ट का यूज क्या कहता है कि जब कोई पॉइंट पे कोई काम हो चुका है और उसके पहले पास्ट में एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के पहले जो एक्शन हो उसको हम पास्ट परफेक्ट से बनाते हैं, राइट। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट से बनेगा। एक चीज और समझते हैं कि इसीलिए पास्ट परफेक्ट को पास्ट ऑफ पास्ट कहते हैं, यानी पास्ट का भी पास्ट कहते हैं। दो एग्जांपल दे रहा हूं, तीन एग्जांपल यहां पे समझना होगा। एक एग्जांपल है आई हैड सीन हिम लास्ट 5 ईयर्स बिफोर, मतलब मैं उसको किसी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के पहले ही मैं देख चुका हूं, यानी पास्ट में कोई पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है उसके पहले ही मैं उसको उसे मिल चुका हूं। ये आते हैं आई हैड विजिटेड कश्मीर बिफोर आई विजिटेड एमपी। दो विजिटेड किया गया जगह को, एक कश्मीर और एक एमपी। तो कश्मीर यहां पर पता चल रहा है कि कश्मीर को पहले विजिट किया गया और बाद में एमपी को विजिट किया गया। तो पहले जो विजिट किया गया है उसका हैड प्लस थर्ड फॉर्म से, तो कह सकते हैं आई हैड विजिटेड कश्मीर बिफोर आई विजिटेड एमपी। तो यहां पे सेकेंड फॉर्म है। तो जो पहले काम हो, तो हमेशा ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट जब कोई दो एक्शन होता है, कम से कम दो एक्शन होता है, तो जो पहले एक्शन होता है, जो पहले काम होता है, उसके पहले पास्ट परफेक्ट का यूज होता है, और उसके बाद वाले में सिंपल पास्ट का यूज होता है, यानी सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, राइट। आप इसमें भी देखिए, आप इसके सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर लगाना होगा। जैसे आई विजिटेड एमपी,
आफ्टर आई हैड विजिटेड काश्मीर। एक चीज और है जानकारी देना चाहूंगा, ये ब्रिटिश में है। अमेरिकन क्या कहते हैं कि डबल टाइम का यूज नहीं किया जाता, बिफोर से ऑलरेडी पता चलता है कि ये काम पहले हो चुका है, फिर हमें पास्ट परफेक्ट लगाने की जरूरत क्या है। ये अमेरिका में जो है अमेरिकन जो ग्रामेरियंस है वो क्वेश्चन उठाते हैं कि दो दो पास्ट दो भी दो दो जो टाइम इंडिकेटर है उसका यूज क्यों किया जाता है। तो वहां पे इसीलिए इसी लॉजिक के आधार पे वहां पे हैड प्लस विजिटेड न लिख करके वह केवल कहते हैं विजिटेड, राइट। वहां पे पास्ट परफेक्ट की जगह पे सिंपल पास्ट का ही यूज किया जाता है, राइट। तो यहां पे हो जाएगा आई विजिटेड काश्मीर, आई विजिटेड काश्मीर बिफोर आई विजिटेड एमपी। तो वहां पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म की जगह पे केवल और केवल सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, अमेरिका में होता है, ये ब्रिटिश में नहीं होता। आपको केवल फॉलो करना है ब्रिटिश वाला, केवल ये जानकारी आपको रखनी है, राइट। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, शॉर्ट कमिंग है ये ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर का। तो आई होप कि ये चीज आप समझ गए होंगे, राइट। अब आते हैं पॉइंट पे कि प्रेजेंट परफेक्ट हम कैसे पहचाने। ये तो हम पहचान गए सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता है कि अब तक तुमने क्या क्या किया है, ओके, व्हाट, यहां पे है वेयर हैव यू विजिटेड, कहां आपने विजिट कर लिया है अब तक। तो अगर हम अब तक की बात कर रहे हैं यानी प्रेजेंट की बात कर, अब तक अगर ये 11 बज रहा है, राइट, तो 11 बजे तक आप मतलब कहां कहां विजिट कर चुके हो। तो प्रेजेंट मोमेंट से आपको बताना पड़ता है इस समय तक आप कहां कहां विजिट कर चुके हो। तो प्रेजेंट से डायरेक्ट उसका रिलेशन है, इसीलिए उस कंप्लीशन के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे कि आई हैव विजिटेड काश्मीर मतलब अब तक। सो टुडे इज संडे और संडे तक कहां विजिट कर चुका है, काश्मीर। आई हैव विजिटेड काश्मीर, आप इसमें लगा सकते हैं ट्वाइस और थ्राइस, जो भी लगाना चाहें, राइट। तो ये आप लगा सकते हैं, मतलब क्या है अब तक। दूसरा चीज है कि एक पार्टिकुलर टाइम पे कोई काम हुआ लेकिन उसकी वैल्यू, उसका वैल्यू जो है, उसका इंपॉर्टेंस जो है अभी तक प्रेजेंट में है, तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। अनदर थिंग ये भी इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू कोलिंस कोबिल जो आपका ग्रामर है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि जो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का से जो हम बनाते हैं वह हम प्रेजेंट परफेक्ट से भी बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूं कि आई हैव टॉट फॉर 2 hours, राइट, या हम इसको लिख सकते हैं आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours, दोनों सेम हो जाएगा, राइट, क्योंकि हैव से पता चलता है कि इसका कनेक्शन प्रेजेंट से है, राइट, और इससे पता चलता है ड्यूरेशन से, मतलब ये पता चल जाता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और इसका प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। अगर हिंदी में बात करें तो इसका होगा कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, राइट, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहां पर ड्यूरेशन आपका दिया हुआ है। यानी इसका मतलब हम अगर करना चाहें तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours। तो आप चाहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना, तो आप बना सकते हैं, राइट। ये आजकल जो टेंडेंसी है, मॉडर्न टेंडेंसी, आजकल ये काफी जोरों पे है। तो आज मैंने बताने की कोशिश की कि जो पूरे जो टेंस होते हैं उसमें से 3 टेंस ऐसे हैं जो केवल एक्शन के कंप्लीशन को बताते हैं। आप ये जब ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको पता चलेगा सबका एक ही मीनिंग है, यानी कश्मीर घूमने विजिट करने का काम समाप्त हो चुका है, लेकिन क्या प्रेजेंट में इंपॉर्टेंस है। अगर है इंपॉर्टेंस तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट इंपॉर्टेंस नहीं है, केवल हम ये जानना चाहते हैं कि किस समय पे हुआ या पास्ट में हो चुका है, केवल हमें एक्शन कंप्लीशन से मतलब है, तो वहां पे ये वाला आ जाएगा सिंपल पास्ट का। अगर हमें ये मतलब है कि कौन सा काम पहले हुआ कौन सा काम बाद में हुआ ये हम जानना चाहते हैं, उसके लिए पास्ट परफेक्ट है। तो मेन थिंग इज हियर कि हमारा इंटेंशन क्या है, यहां पे तो सबका मतलब ये है लेकिन इंटेंशन क्या, हम किस चीज को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग अलग टेंसेस का यूज किया जाता है। आई होप कि ये सारे आप समझ चुके होंगे, राइट। अगले जो वीडियो में, अभी तीन चार और वीडियो बनाऊंगा, अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में क्या डिफरेंस है,
कई तरीके के सिंपल प्रेजेंट होते हैं, कैसे बनाएंगे, और उसके बाद से मैं आपको ड्रिल करना बताऊंगा इसको पॉजिटिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, राइट, इंटरोगेटिव नेगेटिव में, ये सारी चीज आपको बताऊंगा। आई होप कि ये समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।